हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक नए व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पहाड़ में आकर, मतलब पहाड़ की एकदम ठंडी ठंडी हवा में रहकर बहुत मस्त। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 11 बजे से, और आप देख सकते हैं पहाड़ों में भी कितनी खतरनाक वाली धूप आई हुई है, बट यहाँ पर ठंडा ठंडा भी है। और अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए मेरी बुआ के घर। मेरी बुआ का घर भी इधर ही साइड को है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और अभी रेडी हो गए हैं। और मैं और मिस्टर हस्बैंड और मेरे भांजे, हम तीनों जा रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो धूप तो आई हुई है, बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बहुत सुहावना सा मौसम हो रहा है। तो अभी चलते हैं हम सीधे बुआ लोगों के घर की तरफ को। आज मिस्टर हस्बैंड का चश्मा पहन लिया है गौरी ने और स्कूटी स्टार्ट हो रही है अभी। यहाँ पे देवर जी कर रहे हैं स्कूटी को स्टार्ट और फिर चलते हैं हम। क्या हो गया? ये इंजन स्टार्ट कैसे? बिना चश्मे के नहीं हो रहा, और इन्होंने पहन लिया चश्मा। चलो है घंटी कल। भागो भागो भागो, बाय। तो हम चल पड़े। अभी वाली जगह हमने अभी देख के आ रहे थे वीडियो में। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ। ये जगह आपने शायद मेरे पहले वाले व्लॉग में भी देखी होगी। यहाँ पे जो है पहले हमारा घर हुआ करता था, अब नहीं। बताऊँ कहाँ पे? इधर नीचे। और यहाँ से जो ये वाला रास्ता जा रहा है, ये जाता है हमारे मंदिर को, मतलब मेरे मायके वाले मंदिर की साइड को, और यहाँ से ऊपर को जाता है मेरी बुआ लोगों के घर को। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर को। है यहाँ पे, हाँ नीचे हुआ करता था इधर। नहीं, यहीं पे बस, इधर ही। अब तो कुछ भी नहीं है, नहीं अब कुछ नहीं बचा, नामो निशान खत्म। क्यों? कोई है ही नहीं, इधर रहता ही नहीं अब ये लोग। तो मतलब घर तो वैसा ही होगा ना, सामान पत्थर सब ऐसे ही ले गए। कोई कुछ यहाँ से नहीं दिखेगा वो जो दिखेगा वो पहाड़। हाँ इधर से जाते हैं, उसके पार जाना होता है मंदिर के लिए। गाँव वो लोकेश भैया लोग कहाँ रहते हैं? क्या है, मैं भूल गई जगह का नाम ही भूल गई। मैं मीनार के ऊपर है। तो जो हमारा घर यहाँ पे, मतलब रहने वाली जगह थी ना, यहाँ पे बन गया तिराहा है ना। 1 2 3 तीन रास्ते। 1 2 3 तो अब चलते हैं हम सीधे यहाँ से ऊपर। नहीं वो है सामने। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बुआ के घर के नीचे। घर पे नहीं, गाड़ी आगे रख देना। हाँ नीचे, वैसे यहाँ कर दो इधर। मिस्टर हस्बैंड जा रहे हैं घर को हमें छोड़ के। मजाक, इट्स अ मजाक। जाओ वहाँ पे रखाओ स्कूटी, वहाँ पे। हाँ नीचे, हाँ वहीं रखनी पड़ेगी, सब वहीं रखते हैं क्योंकि। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, मामी की बुआ के घर में। ये देखिए व्यू। ये साइड
नमस्ते खुश रहो ये दीदी के बच्चे किरण दीदी अच्छा एक रोहित एक अनुष्का मेरी की छुरी है नानी है वो बंद हो रहा बंद है बच्चा पार्टी भी आ चुकी है थैंक यू अनु क्या हाल है बाबू आयो रख दे बाबू यहाँ पे आज इतना बड़ा हो गया कहाँ जा रहे हैं बैठ गप्पे कर हमारे साथ ये भी वो रोहित ही अनुष्का है नाम तो रोहित है बड़े दोनों के दोनों के बच्चे हाँ वो बेटा ही बेटी छोटा वाला ऊपर आया था जो छोटा ये जो पानी लाया है तो आयुष है भैया का बेटा अच्छा आयुष ये अनु और रोहित दीदी के बच्चे हैं तो गाइस देखो हमारी दियो कितनी बड़ी हो गई है इसके नामकरण में मैं आई थी दियो यहाँ देखो इधर फन में कितनी बड़ी हो गई है भाई बहुत बड़ी है ना खुश रहो दोबारा बेटा जल्दी आउट हो गया कल आ जाते हैं और आज या तो ये दोनों आ गए हाथ धो के और खाने पे भी टूट पड़ेंगे जब से आए वही इतना खा रहे हैं क्या है बताओ कभी कुछ ना कुछ मतलब आने में लगा हुआ है तो ये लोग खाने में लगे हुए हैं और अब भी बारी आई है हमारा खाना खाने की और हमारा खाना यहाँ पर बन चुका है मतलब बन के आ चुका है दाल चावल सब्जी रोटी आ रही है दाल पता नहीं दाल है आज कह की मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मिक्स है मतलब तो आपको कैसा लग रहा है मेरी बुआ के घर में आके मच्छा है मच्छा मैं वो मच्छा ऐसे क्या बोल रहे हैं नहीं वही तो बोल रहे ज्यादा डाल दिए ज्यादा है बहुत ज्यादा है ज्यादा क्या तुम खा लोगे इतना पूरा मैं तो खा लूंगी हां गाइस मेरे खाने में नजर लगा रहे हैं डुगू ठीक है हां बढ़िया तबियत उसी है खास ना भरे यहाँ खड़े मेन कई बुआ पची आ और सुनने तकलीफ है जा सकने वो मैं बिहार समझी को अंदर आवे बिहार समझी को झार पड़े आदमी मैं कब क्या
बोल बोल हो करिए हम चाहते हो और बुढ़ी कोशिश करिए बुढ़ी बुढ़िया मैं ओ या बोलो बोल को ठीक है फिर अच्छा तो वहाँ वाले तो नहीं है ना ये गाइस अब हम जा रहे हैं घर को यहाँ से शाम के बज गए हैं 5 और अभी हम जा रहे हैं घर को और मौसम पूरा पूरा चेंज हो गया है, पूरा बारिश आने जैसा। अगर रास्ते में बारिश आ गई तो हम भीग जाएंगे, है ना। फोन वोन भी है, फोन वोन तो रख लेंगे अंदर। तो गाइज हम घर भी पहुंच चुके हैं और घर आके इन लोगों ने चाय वाय पी ली है और चाय पीने के बाद दोनों लगे हैं फिर से क्रिकेट खेलने के लिए और मिस्टर हस्बैंड वहाँ पर लगा रहे हैं स्टंप को, उनका स्टंप बार बार गिर जा रहा है। तो ओ मेरी मत मारना। तो फिर मैं अपने इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे अपने एक नए अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।